हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमारा जो 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका ये 7 पार्ट है फ्रेंड्स, और आपने बहुत सहयोग किया है और आपके प्यार की वजह से मैं ये नेक्स्ट पार्ट है जो अपलोड कर पा रहा हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से जो है संबंधित है, तो ये बीकानेर से है। उसके बाद है दक्षिण राजस्थान की सरोवर रेखा किस नदी को कहते हैं, तो माही नदी को। उसके बाद है त्राइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई, तो पृथ्वीराज चौहान की। त्राइन का प्रथम युद्ध 91 में 1900 और सेकंड हुआ था 92 में, ये आपको ध्यान रख लेना है थोड़ा सा। उसके बाद ठूसी बड़ा मोहरमन मंडली हार्लो यादि आभूषण है, गले के आभूषण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर राजस्थान जो राज परिवार है उसकी कुलदेवी है नागनेची माता, या जिन्हें चामुंडा देवी भी कहा जाता है। जैत सरकार सिफारम की स्थापना 1956 में किस देश के सहयोग से की गई थी, तो रूस के सहयोग से। जिप्सम राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो नागौर में। जयपुर जिले में मानपुरा माचड़ी विकसित किया गया है लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चौमासा कौन सी फसल कहलाती है, तो ये जायद की फसल है, वो चौमासा की फसल कहलाती है। चित्तौड़गढ़ कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, जो कि सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था 1437 में उसकी विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां राजस्थान किस जिले में चलती है, तो गंगानगर में। गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी नागदा थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहते हैं, तो राजस्थान को। कौन सा चित्रकार भैंसों के चित्र के रूप में जो विख्यात था, तो परमानंद चोहल। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो बाल्लेहुन्नूर कर्नाटक में। उसके बाद कुचामणि ख्यात के प्रवर्तक कौन थे, तो लच्छीराम थे, ध्यान रखना आप। किस शासक के शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे ने करवाया था, राणा लाखा के काल में। किस राजपूत राजा ने हरिनाथ सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, तो आमेर के महाराजा मानसिंह ने। किस धर्म का प्रचार प्रसार राजस्थान में प्राचीन काल में अधिक हुआ, तो वैदिक धर्म का। कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने के लिए प्राण दे दिए, वह कहाँ के रहने वाली थी, तो डूंगरपुर का एक गांव था रास्तापाल वहाँ की। कान्नड़देव जालोर के शासक थे। उसके बाद नेक्स्ट है करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में त्रिलोक चंद माथुर ने की थी। एनाल्स एंड एंटी क्वालिटीज और रचयिता है कर्नल जेम्स टोड। ऊन श्रृंगार का वर्णन किस गीत में किया जाता है, तो गोरबंद में। उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान कोटा में विकसित किया गया है। उसके बाद इसरो कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास हाल ही में राजस्थान किस शहर में हुआ है, तो जोधपुर में इसरो कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास हुआ है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आदिवराह की उपाधि मिहिर भोज ने धारण की थी। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में 550 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद नेक्स्ट है अभ्रक राजस्थान में सर्वाधिक भीलवाड़ा और उदयपुर में पाया जाता है, और भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर और अभ्रक नगरी भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, तो फ्रेंड्स एक विशेष बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन भी बच्चों को जो PDF चाहिए मेरे द्वारा जो सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं उनकी PDF अगर आपको चाहिए, तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे ज्वाइन करके आप जो है सारी PDF एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। आप पहले यहाँ पर पूरा वीडियो ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद PDF को पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको जीवन भर दोबारा ये क्वेश्चन है पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही एक बार पढ़ा उसके बाद रिविज़न किया, तो आपका जो है कम्प्लीट हो जाएगा। ये जो सारे जो मैंने 1000 क्वेश्चन की जो है सीरीज़ रखी है आपको पूर्णतः याद हो जाएंगी और आपको लगभग बहुत हेल्प करने वाली है। आप जब भी एग्जाम दोगे तो आप मुझे याद करोगे। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा अग्निबाण समाचार पत्र का प्रकाशन जनरल जो व्यास थे उन्होंने कब किया था, 1936 में किया था। अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण किसके नेतृत्व में हजारों राजपूतों और मुगल सैनिकों ने जो है मुकाबला या कैसे ये किया था, तो वीर जैमल और फत्ता में। IIT राजस्थान कहाँ स्थित है, तो जोधपुर में। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन है सेलेक्टिव लिए हुए हैं मैंने और जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। 22 जून 1908 को चित्तौड़ में राजमी परंगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो जाट किसान आंदोलन। 1207 में किसने आमेर के मीणाओं को पराजित करके आमेर को कछवा की राजधानी बनाया, तो कोकिल देव ने। उसके बाद नेक्स्ट है रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है, तो इंशा अल्लाह खां। शुभ लक्ष्मी योजना का संबंध है कन्या जन्म पर उपहार देना। ब्रज महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है, तो भरतपुर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, पृथ्वीराज विजय पुस्तक के लेखक है जयानक। गुड फ्राइडे किस धर्म से संबंधित है, तो ईसाई संप्रदाय से संबंधित है। हिंदी साहित्य समिति भरतपुर के संस्थापक कौन थे, तो जगन्नाथ अधिकारी।
हल्दी घाटी के पास स्थित खमनौर गांव के रक्तलाय के मैदान में ग्वालियर के किस राजकुमार ने अपने प्राण उत्सर्ग किए जिसकी समाधि छतरी वहां पर है? तो राम सिंह तंवर ने। ध्यान रख लेना फ्रेंड्स, ये हल्दी घाटी से संबंधित है और राम सिंह तंवर से। स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी जो सेनानी थे लादूराम जोशी, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सीकर जिले में। सूखे की सबसे कम आवृत्ति राजस्थान के किस जिले में रही है? तो चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, सागर का कौन सा भाग राजस्थान के निकट है? तो कच्छ की खाड़ी है। समाचार पत्र दैनिक नवज्योति कब शुरू हुआ? तो 1943 में। संत जाम्बो जी ने राजस्थान के किस संप्रदाय की स्थापना की थी? विश्नोई, 20+9 विश्नोई। शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य गीत दड़ है। बृहत्तर राजस्थान के जो राज प्रमुख थे वो कौन थे? महाराजा मानसिंह जो आमेर के शासक थे, आम सिंह सेकंड, ये मान सिंह सेकंड थे फ्रेंड्स, आप ध्यान रख लेना। उसके बाद वह शिलालेख जिसमें 62 श्लोक वेद वर्मा द्वारा जो रचित है और बप्पा से लेकर समर सिंह तक के मेवाड़ शासकों का वर्णन है, कौन सा है? तो आबू का शिलालेख है। वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? तो 1 नवंबर 1956 को, जब 7वां चरण पूरा हुआ था। लोक देवता की राज्य क्रांति का जनक है देव नारायण जी। लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक से। रेगिस्तान का कलावृक्ष पूछे तो खेजड़ी है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कर दीजिए, और जिससे मुझे पता चले कि आप कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हो या मेरी मेहनत है, आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो आप जिस किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, मैं उस टॉपिक पर विशेष स्टडी करके आपको जो है वीडियो दे दूंगा, बाकायदा और PDF भी दे दूंगा। और नए हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको निःशुल्क सारे वीडियो और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। रामानुजाचार्य किसके अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। राज्य चुनाव आयोग का प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राज्यपाल के द्वारा। राजस्थान में रोजड़ा किसे कहते हैं? तो एक पशु है फ्रेंड्स जो गाय की नस्ल होती है। राजस्थान संघ का 25 मार्च 1949 को उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो कोटा में किया गया था, जो मत्स्य संघ था। उसके बाद फ्रेंड्स ये मत्स्य संघ नहीं था, दूसरा चरण था, जो आप बता देना कौन सा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मत्स्य जो संघ नाम दिया गया था ये किसके कहने पर दिया गया था? जो राजस्थान का प्रथम चरण था मत्स्य संघ, ये नाम है किसने जो सुझाव दिया था कि ये नाम रखना चाहिए इस चरण का, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राजस्थान राज्य में किस विधानसभा में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान करवाया गया था? तो 12वीं विधानसभा में। राजस्थान राज्य में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय कोटा में स्थित है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।